अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर नशे के खिलाफ चल रही जंग के दौरान अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने भिंडी सैदा अजनाला के रहने वाले गुरमेज सिंह के रूप में 3.5 किलोग्राम हीरोइन जब्त कर सीमा पार से नशा तस्करी नेटवर्क का भांडा फोड़ किया है। सीपी अमृतसर रणजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को यहां कहा कि उसके कब्जे से 1 लाख की ड्रग मनी बरामद की गई है। हीरोइन की खेप बरामद करने के अलावा पुलिस टीमों ने सीडी डेलक्स मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है जिस पर आरोपी सवार था। सीपी रणजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि आरोपी गुरमेज सिंह पाकिस्तान स्थित ड्रग तस्कर के सीधे संपर्क में था और ड्रग्स की तस्करी कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से नशीले दवाओं की खेप ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक स्थापित करने के लिए जांच की जा रही है। इस संबंध में अमृतसर के चेहरटा थाने में NDPS FIR संख्या 126 दिनांक 31/7/2024 अधिनियम की धारा 21C 27A के तहत दर्ज की गई है। अमृतसर से सुमित खन्ना की रिपोर्ट। जो DGP पंजाब साहब ने हदायतों मुताबिक ते पंजाब नू नशा मुक्त बनाने के मिशन नू लेके कमिश्नरेट पुलिस अमृतसर वालों DCP इन्वेस्टिगेशन मंडेर साहब और मन्यू राणा जी ते ACP वैसट ਸੁਖਪਾਲ ਜੀ ਅਤੇ SHO ਛਿਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3.5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀਰੋਇਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਅਤੇ 1 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬੜੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਸੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਹੀਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀਗਾ।